बेटा काइंडली इन्फॉर्म करना स्टूडेंट्स को कि जल्दी से आ जाए यहाँ पर। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? अभी मेरे पास जो 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो कुछ 9 स्टूडेंट्स बल्कि। आप कहाँ पर हैं? आप लोग की क्लास हो रही है या फिर क्या कोई और इशू है वैसे? जी क्लास उमेश, जी मैंने क्लास ग्रुप में तो मेन ग्रुप में मैसेज तो कर दिया, जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। चले, अब मैं 25 पे स्टार्ट कर लूँगी क्लास 1 मिनट के बाद, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मैं जो स्टार्ट में क्लास ना, ओके। अच्छा जी चलें, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था अबाउट अपना, क्या कहते हैं, क्या डिस्कस किया हुआ था? अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। अब आज के दिन हम लोगों ने देखना है विजन ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने देख कर आए हुए हैं कि विजन ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है? जी कुछ आइडिया है, क्या देखा है अपने पास से, क्या होता है? जी हाँ जी बोले, क्या देखा हुआ है? विजन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है भाई? चलें ये जान आ जाए, 2 मिनट वेट कर लेते हैं।
ओके तो अब यहाँ देख लें आप लोग, क्या किसी को आइडिया है क्या होता है ये पिजन होल प्रिंसिपल? जी क्लास, yes, हाँ जी बोलें, बताएं क्या होता है ये, क्या देखने वाले हैं? जी मैम, अगर नंबर नंबर ऑफ आइटम एन हो और कंटेनर नंबर ऑफ कंटेनर एम हो, तो कोई एक कंटेनर ऐसा होता है जिसमें मोर देन वन आइटम आते हैं। गुड गुड है, ठीक है, चलें अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल आखिर है क्या और जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात से बात को फोकस करते हैं हम लोग, वो ये है कि अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, देट कैन बी ऑफ एनी टाइप। अब तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स पर है, ठीक है, मतलब फॉर सपोज इफ आई हैव अ के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स, अब वो ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं और मुझे फिक्स करने हैं उसे दो बॉक्सेस में, ठीक है। जैसे मेरे पास तीन मेरे जो है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे दो बॉक्सेस में फिक्स करने हैं, उसको पुट करना है उसे, या आप सिंपल ये कह रहे हैं कि आई हैव अ के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स एंड आई हैव अ के बॉक्स, ठीक है। सो व्हाट कैन आई डू, मतलब ये हो सकता है ना कि सिंपल मैं ये बॉक्स जो है इसमें डाल दूँ, ठीक है, ये वाला बॉक्स जो है मैं इसमें डाल दूँ। अब एक ऐसा बॉक्स हो, एक यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि इन दोनों में से किसी में किसी पे भी आ सकता है, किसी में भी डाल सकते हैं हम लोग सिंपल, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ सिंपल, ये बात भी मेरी, जैसे मैं इस वाले बॉक्स को यहाँ पे जब डालूंगी तो मैं ये कहूँगी कि भाई मेरे पास अगर के वन प्लस ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इसको के बॉक्सेस में डाल दें, तो ऑब्वियसली बात ये है कि कम से कम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा मेरा यहाँ पर जो के क्या होगा, किसी एक कोई ऐसा बॉक्स कम से कम होगा जिसमें मेरे दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि इफ़ आई हैव अ के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स एंड आई हैव अ के बॉक्स, सो ऑब्वियसली मेरे पास एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो दिस इज़ नॉट अ जनरलाइज वे, बट लेकिन एक स्टेटमेंट है जो कि हमें समझ आ रही है और वी कैन से कि दिस इज़ अ कॉमन सेंस, ठीक है। इसको कोई इसके लिए प्रूफ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्यों कैसे किस वजह से, दिस इज़ अ कॉमन सेंस, ठीक है। तो यही आपका पिजन होल प्रिंसिपल कहता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, वाई वी आर गोइंग टू बी वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, और क्या इसके जो है फ़ायदे क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इनकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो तो डेफिनेशन तो समझ आ गई है हमें, ठीक है। तो इसको मैं एक और छोटी सी मिसाल पर समझा सकती हूँ कि फॉर सपोज आपके पास जो है वो फाइव पिजन्स हैं, ठीक है, एंड आई हैव अ फोर बॉक्सेस, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास एक ऐसा पिजन होगा जो कि दो एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मेरे पास दो पिजन्स आ रहे होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा मैप करते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि पिजन होल प्रिंसिपल का एक सब प्रूफ है, वो ये कहता है कि भाई देखो अगर तुम लोग के पास के प्लस वन एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके फंक्शन में, मतलब आपके डोमेन में आपके के प्लस वन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो के प्लस वन एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर सपोज आई हैव थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, मेरे पास अगर फॉर सपोज तीन एलिमेंट्स हैं, बल्कि फॉर सपोज मेरे पास फोर एलिमेंट्स हैं एंड आई हैव अ के एलिमेंट इन माय को डोमेन, ठीक है, मेरे पास को डोमेन में जो है वो के एलिमेंट्स हैं, मतलब मेरे पास यहाँ पर फॉर सपोज तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे तीन थे तो यहाँ पे मेरे फोर हो गए। अब देखें अगर हम उसको वन टू वन करना चाहें, ठीक है, अगर मैं इसकी वन टू वन मैपिंग करना चाहूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन जो है मेरा कोई भी इसने वन को कैरी करा एंड देन वी कैन रीच टू ए, ठीक है, तो ये मैंने एक मैपिंग कर दी, ये मैंने दूसरी मैपिंग कर दी, ये मैंने तीसरी मैपिंग कर दी, क्योंकि ये फंक्शन है तो मुझे सारे फंक्शंस में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कवर करने। तो देखें ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किसी एक वाई एलिमेंट के साथ को डोमेन के रिपीट किया जाएगा, मतलब या तो ये सी के पास चला जाएगा, या तो ये बी के साथ चला जाएगा, या तो फिर ए के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी आपके पास वन टू वन फंक्शन नहीं बना सकता, ठीक है। So this is a simple subproof of this pigeon hole principle, which is saying a function f from a set with k plus one element, मतलब k plus one element हम domain की बात कर रहे हैं, to a set with a k element is not a one to one function, और हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ये कभी भी आपके पास one to one function नहीं बना सकता। मैंने यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दी हैं कि here your boxes are your what the codomain and your जो भी आपके यहाँ पे आपके domain के elements हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो गए यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। देखिए अब इस वाले पिजन होल प्रिंसिपल में आपने ये आइडेंटिफाई करना है, अब दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एक हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी, और दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं बॉक्सेस को, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जितने भी होंगे हमने इसको बॉक्स में पुट करना है, ठीक है। अब ये आपने कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए
कि मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, मेरे पास बॉक्स क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात। अब आगे चल के देखते हैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी जी बोले मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं थोड़ा लेट आ गया हूँ तो प्लीज आप पीछे से थोड़ा ओवरव्यू दे देंगी ताकि आगे से मुझे प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है दीपक, देखिए मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने एक सिंपल सी बात, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देखा हुआ है विच इज पिजन हॉल प्रिंसिपल। पिजन हॉल प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इफ आई हैव अ के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो के प्लस वन मेरे कितने भी होंगे, और मेरे पास अगर के बॉक्स है, ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास फोर मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तीन कोई ऑब्जेक्ट्स दिए हुए मेरे पास, और मेरे पास फोर सपोज दो बॉक्सेस, ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या होगा। जाहिर सी बात है एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, कम से कम एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँ और इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये थर्ड वन जो है ये मेरे पास या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो मेरे पास अगर के बॉक्सेस गिवन है और मेरे पास के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा मेरा, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा मेरे पास जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। अब बात क्लियर हुई? जी दीपक, समझ आ गई बात जो मैंने अभी बताया? बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पे सब प्रूफ भी बताया हुआ है आप लोगों को, और मैंने ये एग्जांपल भी बताई हुई कि फॉर सपोज अगर आपके पास फाइव पिजन्स हैं और आपके पास फोर बॉक्सेस हैं, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें हमारे पास दो पिजन्स आ रहे होंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने डिस्कस किया कि भाई हमारे पास एक सब प्रूफ है इसका पिजन हॉल प्रिंसिपल का, विच इज सेइंग कि अगर हमारे पास डोमेन में के प्लस वन एलिमेंट्स आ रहे हैं और हमारे पास को डोमेन में के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कभी भी वन टू वन फंक्शन नहीं बना सकते। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है? क्या ये कभी वन टू वन फंक्शन बना पाएगा? जी दीपक आप बताएं जल्दी से मुझे। नो मैम, कभी भी नहीं बच जाएगा तो नहीं, कभी भी नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा तो इसके बाद हम लोग अभी आ जाते हैं अपने जनरलाइज्ड रीजनल प्रिंसिपल की तरफ। देखिए अब मैंने अभी तक जो बातें बताई वो ये बताई कि भाई अगर आपके पास के प्लस वन ऑब्जेक्ट है और हमारे पास के जो है बॉक्सेस गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमने ये देखा कि भाई हमारे पास एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, मतलब ये कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें हमारे पास कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। तो ये हमने कोई जनरलाइज एक प्रिंसिपल नहीं बनाया हुआ, हमने कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यूज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा हो सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज ये भी आ सकती हैं कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, ठीक है, जैसे फॉर सपोज अभी मैं इसकी एग्जाम्पल भी देती हूँ आप लोगों को, और हमारे पास के नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, तो इसके लिए तो कंडीशन चेंज हो जानी है। यहाँ पे कोई हमारे पास ये नहीं होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है, हम इसके लिए क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो अभी हमने देखना है। अब इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही थी, वो ये कि देखो हमारे पास फॉर सपोज हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और फॉर सपोज हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी हुई कि के प्लस वन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास के जो है बॉक्सेस हैं, हमने इसको जनरलाइज कर लिया, मतलब अभी हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने भी हो सकते हैं और हमारे पास नंबर्स ऑफ आपके बॉक्सेस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अभी अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों और हमारे पास तीन डब्बे हों, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि एक डब्बे में कम से कम कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जल्दी से बताना, कॉमन सेंस आपको क्या कहता है कि एक डब्बे में आपके पास कम से कम कितने, कम से कम फोर मैम, फोर, बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और इफ यू हैव गिवन थ्री बॉक्सेस, तो आप यू कैन सी के भाई एक आपने यहाँ पे डाल दिया, एक आपने यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, तीन चार पाँच छ, ठीक है, सात आठ नौ दस। अभी आपने ये देखा कि जब मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स थे तो मेरे पास एक ऐसा कम से कम ऐसा एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मेरे पास फोर ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। अब ये भी हो सकता था कि मेरे पास अगर 11 होते, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स 11 होते तो भी मेरे पास कम से कम ऑब्जेक्ट जो एक कम से कम ऐसा बॉक्स होता जिसमें मेरे पास फोर ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास दो भी हो सकते थे, तीन भी हो सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि यू कैन सी अ जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल विच इज सेइंग कि अगर आपके पास नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने भी हो, नंबर्स ऑफ बॉक्सेस कितने भी हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अभी आपने बताया कि भाई फोर होंगे, ये आपने कॉमन सेंस यूज करा कि भाई देखें ये जैसे अभी हमने सॉल्व भी करके देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेन, तो हमें इस तरीके से पता चल गया कि कम से कम एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें हमारे पास फोर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन वी कैन यूज अ फॉर्मूला,
ठीक है, विच इज सेइंग कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना है नंबर्स ऑफ बॉक्सेस के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास लेकिन यहाँ पे एक और भी बात है, वो देखते हैं. अच्छा, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, और हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 3 है. तो हमारा आंसर क्या आ जाना है, 3.33. लेकिन आपने यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो अपर वैल्यू लेनी है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी आर कंसिडरिंग हर अ सीलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हमने अपर वैल्यू लेनी है. तो 3.3 का अपर वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इससे हमें पिजन और जनरलाइज पिजन और प्रिंसिपल हमें डायरेक्टली वो बता रहा है कि कम से कम हमारे पास एक बॉक्स में कितने आ सकते हैं. ये बात सबको क्लियर हो गई मेरी, ये फॉर्मूला सबको क्लियर? किसी को कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है बेटा, चले. अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं. अब मैंने आपको कहा कि देखो, अगर तुम लोग के पास जो है नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन दिए हुए हों और अगर तुम लोग के पास के बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो तुम ये आइडेंटिफाई करोगे कि कम से कम एक बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, कम से कम एक, जो भी तुम्हारा एक बॉक्स है उसमें कम से कम कितने तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो तुमने ये फॉर्मूला यूज करा. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये होता कि भाई यू हैव गिवन कम से कम एक ऑब्जेक्ट में तुम्हारे इतने, एक डब्बे में तुम्हारे पास कम से कम इतने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक डब्बे में तुम्हारे पास कम से कम इतने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और यू हैव गिवन नंबर्स ऑफ बॉक्सेस, तुम्हारे पास बॉक्सेस दिए हुए हो, तो तुमने अगर फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर्स ऑफ आपके ऑब्जेक्ट्स कितने थे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला. बात समझ आई मेरी? कि अगर तुम लोग के पास, जैसे यहाँ पे देखो तो तुम्हारे पास नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, भाई तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 10 है, ठीक है, और तुम्हें बोला जाए कि भाई तुम्हारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 3 है. तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना था, कि ये बताओ कि कम से कम एक बॉक्स में कितने तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, कम से कम एक बॉक्स में कितने तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं. लेकिन अगर तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, एन डिवाइड्स की. लेकिन अगर मैं सामने से ये कहूँ तुम लोगों को कि भाई देखो, तुम्हारे पास सिचुएशन अभी चेंज हो गई है, वो ये है कि भाई देखो, तुम्हारे पास ये मैंने बता दिया कि भाई एक बॉक्स में तुम्हारे 4 ऑब्जेक्ट्स आने, एक बॉक्स में तुम्हारे पास कम से कम 4 ऑब्जेक्ट्स आएंगे और तुम्हारे पास बॉक्सेस दिए हुए हों, और तुम बताओ कि टोटल नंबर तुम्हारा किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला तुम लोगों ने ये वाला यूज करना है. मेरी बात क्लियर हुई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी क्लास, मतलब ये कि अभी 4 आपके पास गिवन है और 3 आपके पास गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एन वैल्यू, 10 आपने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. हियर के रिप्रेजेंट व्हाट द नंबर्स ऑफ बॉक्सेस एंड एन डिवाइड्स के रिप्रेजेंट दिस 4 और +1 और -1 करके आपने ये फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पे टोटल आपके जो है ऑब्जेक्ट्स कितने थे, मतलब कितने थे, 10 थे. क्लियर हुई बात सबको मेरी? जी क्लास, सबको क्लियर हो गई बात? हाँ जी, ठीक है. अब क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए. ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनकी एप्लीकेशंस क्या है. ठीक है, देखो, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स जितने भी हैं, लेकिन मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, आई हैव 14 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं, और मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे पास एक साल में जो है ना वो 12 मंथ होते हैं मेरे पास, 12 मंथ होते हैं मेरे पास. अब मुझे ये बताओ कि कम से कम मेरे पास ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके बर्थडे मंथ रिपीट हो सकते हैं. अब आप कॉमन सेंस यूज करो तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताना. जल्दी से बताएं कि अगर आपके पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स 14 दिए हुए हैं और आपके, आपको मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक साल में 12 मंथ होते हैं. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कम से कम ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बर्थडे रिपीट हो सकती है. अब पहले ये बताओ कि इस पे जो है ये कंडीशन जो बताइए, इस पे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं और नंबर्स ऑफ बॉक्सेस क्या हो सकते हैं. हाँ जी, स्टूडेंट्स क्या होंगे हमारे, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? 14 जो है ऑब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस, बिल्कुल बिल्कुल, और आपके मंथ्स क्या होंगे, नंबर्स ऑफ बॉक्सेस होंगे. अब आप अगर फॉर्मूला यूज करते हैं विजनल प्रिंसिपल का, विच इज सेइंग कि नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपने डिवाइड करना है नंबर्स ऑफ बॉक्सेस के साथ, ऐसा ही है, के के साथ, और एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 14 है, और आपके पास जो आपका बॉक्स है के है वो क्या है, 12 है. सो यू विल गेट समथिंग 1.16. ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि इसकी अपर वैल्यू लेनी है, दैट मींस यू हैव टू कंसीडर योर 2. अब देखो, कॉमन सेंस भी आपको यही कहता है कि अगर फॉर सपोज आई हैव 12 स्टूडेंट्स लाइक ए, मेरे पास कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको मैंने कंसीडर कर लिया है ए. ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. तो आई हैव ए बी सी डी, ठीक है, ई, 14 स्टूडेंट्स, सॉरी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन. ठीक है,
तो ये कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं रैंडमली इसको बर्थडे जो है असाइन कर दूँ कि ये फॉर सपोज जनवरी में हुआ हमारे पास, ये फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो इसके लिए तो जाहिर सी बात है जो भी मंथ होगा उनमें इनमें से ही कोई ना कोई रिपीट होगा, जाहिर सी बात है। अब फॉर सपोज इसको मैं दे देती हूँ जून और इसको दे देती हूँ मार्च, तो हमारे पास कम से कम ऐसे कितने स्टूडेंट्स हुए जिनके बर्थडे मंथ रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से बता दो जी कितने हैं। तो ये कॉमन सेंस से हमने सॉल्व करा और ये हमने डायरेक्टली जो है अपने पिजन हॉल प्रिंसिपल से हमने सॉल्व कर लिया कि हमारे पास दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन अब एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, वो ये है कि स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि कम से कम दो ऐसे होंगे जिनके बर्थडे मंथ रिपीट होंगे, कम से कम। मतलब ये है कि अगर फॉर सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं 15 या फिर 16 या फिर 17 जितने भी होंगे, लेकिन इन सबके लिए भी मेरे लिए क्या होगा स्टेटमेंट कि कम से कम मेरे पास दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बर्थडे रिपीट हो रही है। देखो कम से कम दो बोले में ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब अगर हम 15 को कंसीडर करें तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने के हो सकते हैं, दो, मतलब तीन हो जाएंगे। फिर 16 के लिए हमारे पास तीन भी हो सकते हैं, 17 के लिए हमारे पास तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम की बात कर रहे हैं कि मतलब एक नहीं होगा। मतलब इस सिनेरियो में अगर हम 14 स्टूडेंट्स को कंसीडर करें और हमारे पास 12 मंथ्स हैं, तो ये कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसके मंथ रिपीट हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। हाँ जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल तो रिपीट नहीं होंगे ना। हाँ नहीं, क्या 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 बोलो दोबारा से बताओ। सब कह रही हैं कि अगर 14 स्टूडेंट्स होंगे तो दो के रिपीट होंगे लाजमी, लेकिन हो सकता है जो 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 दो बंदे बचे उनकी सेम में ही आ रही हो। हाँ हो सकता है, जनरली जनरली दो तो रिपीट नहीं। तो लेकिन फिर स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके रिपीट हो रही है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। हमने ये तो नहीं ना कहा कि मंथ कौन से रिपीट हो रहे हैं। यस मिस, सॉरी मिस। ठीक है चले कोई नहीं। अच्छा अब आपको इसके एप्लीकेशंस भी समझ आ रही होंगी। ठीक है अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर का रीड करें कि हमारे पास फॉर सपोज 367 पीपल्स हैं। ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने भी हो सकते हैं, 367 हमने यहाँ पे बता दें कि वी हैव अ स्टूडेंट्स। ठीक है और हमने अभी देखना है कि कौन से कम से कम स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बर्थडे रिपीट हो सकती है। तो वी नो कि वी हैव ना वन ईयर, वी हैव 366 ट्रीज, तो हमने सिंपल क्या करना है, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना है नंबर्स ऑफ बॉक्सेस के साथ। सो यू विल गेट समथिंग 1 पॉइंट जो भी हो, तो इसका आपने अपर वैल्यू लेना है तो यू विल गेट 2। तो हमें ये बात भी क्लियर हो रही है कि भाई सही है, ऐसा ही होगा कि दो ऐसे हो सकते हैं कम से कम। अब मेरे पास अगर 368 ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएं या 369 ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएं, तो इन सब पे भी मेरी कंडीशन ये होगी कि दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कम से कम ऐसे दो स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन ज्यादा तो तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा तो चार भी हो सकते हैं ना। समझ आई बात सबको मेरी जी क्लास, ये बात सबको क्लियर हो रही है? यस मिस, ये प्रिंसिपल है, ये सिर्फ मिनिमम के लिए है ना कि एटलीस्ट इतने स्टूडेंट, एटलीस्ट का गारंटी दे रहा है वो, एटलीस्ट का गारंटी दे रहा है। ठीक है ओके मैम, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं ना, मतलब सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर होता है विच इज ग्रेटर देन 700 समथिंग, 700 से मतलब 800 समझ लो, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है तीन की। समझ आई? ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम ऐसे तीन स्टूडेंट्स होंगे कम से कम जिनके बर्थडे जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अगर वही बात के अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास मंथ 12 है, तो हमारे पास 9 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके बर्थडे मंथ रिपीट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जिनके इनिशियल्स जो हैं वो 27 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कम से कम जिनके स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो हमने जस्ट कुछ भी नहीं करना, 27 को डिवाइड कर देना है 26 के साथ। ठीक है, सो यू विल गेट 2। एंड ये बात भी क्लियर है कि भाई अच्छा यूनिकली अगर आपने दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कम से कम दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इनिशियल सेम हो सकता है। ठीक है अच्छा जी, अब तो वैसे पिजन होल प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने जो फॉर्मूला बताया हुआ था ये वाला, इस पे मैंने सिचुएशन क्या बताई हुई थी कि देखो अगर तुम लोग के पास ये आ जाए कि मिनिमम नंबर्स
हमारे पास एटलीस्ट इतने स्टूडेंट एक बॉक्स में आ रहे हैं और हमारे पास बॉक्स का बता दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने, तो इसके लिए आप फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, के इनटू ए डिवाइड्स के प्लस वन माइनस वन, ठीक है। सो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला याद करते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन को रीड करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होना है। हाँ जी जल्दी से बताएं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जी अब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट्स द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन अ डिस्क्रीट क्लास टू बी श्योर दैट एटलीस्ट सिक्स विल रिसीव द सेम ग्रेड इफ देयर आर फाइव पॉसिबल ग्रेड्स। अब देखो यहाँ पे हाँ जी बोलें, सिक्स डिवाइड बाय फाइव और जो सीलिंग वैल्यू आएगी। नहीं नहीं देखो ना, अब यहाँ पे हमें पता है कि एन डिवाइड्स की होता है टू फाइंड आउट कि एक बॉक्स में कम से कम कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें बोला गया है कि भाई बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, और हमें ये बोला गया है कि भाई देखो एक कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड जो है वो सेम हो सकते हैं। अब हमें जो वैल्यू बताई हुई है एंड वाइड्स के सिक्स बताई हुई है, हमें बोला हुआ है कि भाई सिक्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड सेम आ सकते हैं, ठीक है। और हमारे ग्रेड्स क्या है यहाँ पर, बॉक्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, फाइव है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि बताओ कितने टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, जिस पे हमने ये फाइंड आउट करा कि भाई मिनिमम जो है एक छः से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके ग्रेड सेम हो। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एन फाइंड आउट करना है। बात क्लियर हुई मेरी, अब हमने ये नहीं फाइंड आउट करना, हमने ये फाइंड आउट नहीं करना, हमने ये फाइंड आउट करना है। सबको ये बात क्लियर हो गई मेरी कि क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में। जी क्लास, यस मिस। इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है कि अगर आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर k इंटू, फिर आपने यहाँ पे इन डिवाइड्स k माइनस वन प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता है कि k यहाँ पर क्या है हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ ग्रेड विच इज व्हाट, फाइव, ठीक है। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता है कि इन डिवाइड्स k किसके बराबर था, सिक्स के बराबर था, ठीक है। माइनस वन हमने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद प्लस वन ऑफ दिस फॉर्मूला, फिर हमने कुछ भी नहीं करा, फाइव को इंटू कर लिया फाइव के साथ और प्लस कर दिया वन के साथ, ठीक है। सो यू विल गेट 26। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो अवेलेबल थे वो 26 थे। अब कॉमन सेंस भी आपको यही कहता है वैसे, 26 टोटल स्टूडेंट्स थे। अब आपके पास बॉक्सेस थे फाइव, तो मुझे ये बताओ कि कम से कम कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम ग्रेड ले सकते हैं, तुम लोग खुद बताओ। हाँ जी बोले, छः, और जबकि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास। समझ आई बात, क्लियर हो रही होंगी चीजें, क्लियर हो रहा है सब कुछ, गुड। अच्छा जी अब हम लोग आ जाते हैं अपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के पार्ट पे। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को भी आप बताए परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या चीजें तुम लोग को आती हैं इसके, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट ईयर इंटर में की हुई होंगी अपने पास, लेकिन फिर भी आप अपना बता दें मुझे कि क्या आप लोगों को क्या क्या पता है, तब फिर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इतना डिटेल में ना जाऊँ फिर मैं। हाँ जी क्या पता है आप लोगों को परम्यूटेशन का, क्या डिफरेंस है वैसे, एक ही चीज है वैसे या अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा चलो इतना तो पता है, शुक्र है। अब ये डिफरेंस भी बता दे मुझे। हाँ फॉर्मूला होता है ना उसमें, फॉर्मूला होता है लेकिन वो फॉर्मूला तो जाहिर सी, हाँ जी बोले, जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एक एन होता है और एक आर होता है। हमारे पास इसके अंदर फैक्टोरियल्स निकाले जाते हैं, ऊपर आता है n फैक्टोरियल डिवाइड किया जाता है, फिर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग जो मुझे बता रहे हो वो तो सही है, लेकिन दिस इज नॉट लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्ड्स ना, मतलब ये दोनों वर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली बस फॉर्मूला बता रहे हैं। You have something and you have first time formula hi padha tha sirf formula hi to padha aisa nahi karna tha na tum logo ne sorting ka difference hota dekho tum logo ne mere liye aasani karni thi theek hai thoda sa aur pad lete theek hai to meri aasani ho jati yahan par chale koi nahi hai main thoda sa background de deti hu aap logo ko is cheez ka ki why there is exist of this permutation matlab kyu exist karti hai baat theek hai bahut hi aasan si cheez hai bahut hi aasan hai theek hai dekhen agar aapke paas five numbers diye hue theek hai if you have something 1 2 3 4 5 ठीक है यू हैव गिवन एन नंबर्स अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने तीन डिजिट का एक नंबर बनाना है क्या बनाना है तीन डिजिट का एक नंबर बनाना है तो मुझे ये बताओ कि कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हो आप इस सिनेरियो के बेस पर हाँ जी कितने बनाओगे कितने पॉसिबल आपके अरेंजमेंट बन सकती हैं जी कितने बनेंगी क्या फॉर्मूला था अब अगर हमने यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ की बिल्कुल
अगर हमने यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ की हुई है तो हमें पता है कि ये जो तीन डिजिट्स हमने यहाँ पे फिल करने हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे दोबारा से 5 लिखेंगे और यहाँ पे दोबारा से 5 लिखेंगे. लेकिन इस ये हमें बताएगा कि इतने पॉसिबल वेज हम इतने पॉसिबल डिजिट्स बन सकते हैं हमारे सिनेरियो के बेसिस पे. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग व्हेन वी हैव रिपीटेशन अलाउ, हमारे पास रिपीटेशन अलाउ की भी. लेकिन अगर यही बात मैं आपको कह दूं कि भाई आपने रिपीटेशन अलाउ नहीं करनी, मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली योर फार्मूला विल बी 5 into 4 into 3. बिल्कुल गुड, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करती हूँ अपने सिनेरियो को, वो ये कि मैं कहती हूँ कि भाई यू हैव गिवन एन नंबर्स. अब ये जो 5 नंबर दिए हुए थे, अब आ गई हूँ एन नंबर्स के ऊपर. कितने नंबर्स के ऊपर? एन नंबर्स के ऊपर. वो एन नंबर्स कितने भी हो सकते हैं. आई जस्ट वांट टू मेक इट अ जनरलाइज फॉर्मूला. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज चीज़ों को कर रहे हैं यहाँ पर. और जैसे मैंने आपको यहाँ बोला ना कि आपने 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने 8 डिजिट का एक नंबर बनाना है. ठीक है, क्या करना है? 8 डिजिट का एक नंबर बनाना है. अब आपके पास एन नंबर भी डिफाइन नहीं किया हुआ, इवन आपके पास जो डिजिट बनाना है वो भी डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन हमें पता है कि किस तरीके से फॉर्मूला वर्क करता है, तो वो देखते हैं. अब मैं आपको कहती हूँ कि भाई रिपीटेशन आपको जो है वो अलाउ नहीं की हुई. ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट एनी योर डिजिट. ठीक है, तो इस पर क्या होगा? आपने ये सिंपली क्या करना है, आपने फर्स्ट के लिए आप यू विल यूज एन वैल्यूज. ठीक है, फॉर सेकेंड डिजिट के लिए आप क्या यूज़ करोगे? एन माइनस वन वैल्यूज. ठीक है, अब जाहिर सी बात है ना, मतलब थर्ड के लिए आप क्या यूज़ करोगे? एन माइनस टू वैल्यूज. ठीक है, और फोर्थ के लिए आप लोग क्या कर लोगे? एन माइनस थ्री कर लोगे आप लोग. इस तरीके से अगर आपके पास 8 डिजिट का एक नंबर फाइंड आउट करना है, तो 8th डिजिट के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? एन माइनस क्या होगा? एन माइनस क्या होगा? आर होगा. सिंपल आर होगा, देख के बताना भाई. फर्स्ट सेकेंड के लिए मैंने माइनस वन करा है यहाँ पर, और थ्री के लिए मैंने माइनस आर माइनस वन. आर माइनस वन, आर माइनस वन, बिल्कुल आर माइनस वन. ठीक है, सही लिखा है. आर में से माइनस, अच्छा आर में से माइनस होगा या वन आर में से माइनस वन. हाँ ठीक है, सही है. तो अब इन सबको मुझे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है. ऐसा ही है. अब ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा इतना कुछ करना? हाँ. सो इफ यू हैव अ सिचुएशन वेयर यू हैव एन नंबर्स, आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स दिए हों, और आपने उनमें से जो है जस्ट दो ऑब्जेक्ट्स को लेना है अपने पास या तीन ऑब्जेक्ट्स को लेना है अपने पास. ठीक है, सो वी हैव नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड वी हैव टू अरेंज दीस ऑब्जेक्ट्स इन अ वे. ठीक है, फिर हमें पॉसिबिलिटी सारी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे NCR यूज करते हैं, सॉरी NPR. तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको कहता है कि इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से मत जाओ. ठीक है, इतने मुश्किल तरीके से इसको सॉल्व मत करो, जस्ट सिंपल अपना NPR का फॉर्मूला यूज करो, विच इज व्हाट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, बस. ठीक है, यहाँ पे n जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वी हैव अवेलेबल ऑब्जेक्ट जो भी दिए हुए हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स में से जितने ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ से जिसके ऊपर हमने काम करना है, दिस रिप्रेजेंट योर r. बात क्लियर हुई मेरी? हाँ जी. अच्छा, बेसिकली कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन अलाउ होती है और परम्यूटेशन में अलाउ नहीं होती. अब मैं दोनों का नहीं, अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगी. अब ऐसा नहीं है, ऐसा अभी मैंने कॉम्बिनेशन का कुछ बताया ही नहीं है. अब मैंने कहीं पे भी कॉम्बिनेशन का वर्ड स्टार्ट करा या कभी यूज करा मैंने यहाँ पर इस सारी चीज को समझाते हुए मैंने कहीं पे भी कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज करा है? नो मैम, कभी नहीं. तो हम लोगों ने हमने आप क्यों जा रहे हो उस पे? अब तो हम लोग परम्यूटेशन को जस्ट देख रहे हैं ना यहाँ पर. अच्छा, अब मैंने कहा कि जब आपके पास रिपीटेशन आपको अलाउ की गई, अब जब आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे थे, तो आपका फॉर्मूला क्या बना? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. लेकिन इसी चीज़ पे, इसी सिनेरियो पे, जैसे कि आप जो आपने क्वेश्चन करा है उसका भी मैं जवाब दे दूँ आपको, कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि यू हैव गिवन एन नंबर्स. ठीक है, आपके पास एन नंबर्स दिए हुए और आपने 8 डिजिट का एक नंबर बनाना. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई रिपीटेशन तुमको मैंने अलाउ कर लिए, जाओ कर लो जो तुमने करना है. ठीक है, रिपीटेशन मैंने यहाँ पे अलाउ कर ली, तो तुम क्या करोगे? अगर फॉर सपोज तुमने 8 डिजिट के लिए तुमने एक कोई भी नंबर बनाना है, जैसे तुमने फर्स्ट के लिए बनाओगे सो यू हैव एन ऑप्शन, सेकेंड के लिए तुम्हारे पास एन ऑप्शन है, थर्ड के लिए तुम्हारे पास एन ऑप्शन है, 8 तक के लिए तुम्हारे पास एन ऑप्शन होंगे. सो फॉर्मूला विल बी फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. अगर हमारे पास परम्यूटेशन फाइंड आउट करने को दें और जहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन भी बोली जाए कि भाई यू आर अलाउड टू रिपीट एनी डिजिट, तो योर फॉर्मूला विल बी एन पावर आर. बस बात खत्म. समझ आई? मैंने कोई कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, बस मैं अभी आपको परम्यूटेशन का बता रही हूँ. और परम्यूटेशन में मैंने क्या डिस्कस करा अभी, कि जब आपके पास रिपीटेशन अलाउ नहीं की जाए तो आपका फॉर्मूला ये होना है, और जब आपके पास रिपीटेशन अलाउ कर दी जाए तो आपका फॉर्मूला ये होगा.
अब थोड़े से परम्यूटेशन के टाइप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक तो परम्यूटेशन की टाइप मैंने बता दी कि यू हैव नंबर्स, आपके पास जो है नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे और इन नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आपने कोई कितने भी ऑब्जेक्ट्स लेके आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इनके क्या अरेंजमेंट हो सकती हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब सपोज हमारे पास फोर ऑब्जेक्ट्स गिवन है और मैं कहती हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर तुमने लेने हैं तो इनके क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, तो तुमने ये वाला काम करना है, ठीक है। तुमने क्या करना है, एनपीआर अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कह दिया कि भाई तुम्हारे पास रिपीटेशन मैंने अलाउ नहीं करनी, तुम्हारा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा परम्यूटेशन की फर्दर एक टाइप पे आते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल टाइप, कि भाई देखो अब हमने अभी तक जो देखा ना, वहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे डिफरेंट, मतलब सारे यूनिक होंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दी हुई हों और इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट, मतलब वो यूनिक ना हो, ठीक है, अगर वो रिपीट, मतलब कोई से, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे देख लें, अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग देती हूँ MAT के नाम से और मैं ये कहती हूँ कि भाई देखो मुझे ये बताओ कि इसके क्या पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबल इनके अरेंजमेंट हो सकती है, इनकी क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? भाई एक तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, डबल एम के कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड ना मैं कंप्लीट बना दूँ पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये डबल टी हो गया, इसके बाद मैंने एम के साथ ए को यूज़ करा, टी को किया और टी को किया और ए को किया, एम टी टी एम, ठीक है, ए एम एम ए। अच्छा, जब मेरे पास ये स्ट्रिंग मौजूद थी, ठीक है, मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मुझे इन तीन ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने ये देखा कि मेरे पास इतने पॉसिबल सिक्स वेज बना सकती हूँ मैं। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके सिक्स वेज बनेंगे कैसे। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था परम्यूटेशन का, एन पी आर। यहाँ पे एन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, और हमारे पास आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स को लेने हैं तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो इससे आप फॉर्मूला यूज करो, विच इज वॉट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा वन, और सॉरी थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल क्या होना है, वन होना है, और एन का फैक्टोरियल मतलब थ्री का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपके पास, थ्री इंटू टू, ठीक है। तो इससे भी आपको परम्यूटेशन से भी पता चल गया कि भाई आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सिक्स वेज आ रहा है, और यहाँ पे हमने वो सारे कॉम्बिनेशन बना के भी देख लिया कि हमारे पास सिक्स वेज आ रहे हैं। और कोई वे हो सकता है इसको अरेंज करने का? हाँ जी बोले, और कोई तरीका हो सकता है इसको अरेंज करने का? कोई और तरीका है? नहीं है, ठीक है, चले। अब यहाँ पे देखना मेरी बात, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे यूनिक थे, हमारे पास एम यूनिक है, ए यूनिक है, टी यूनिक है। लेकिन हम अभी यहाँ पे परम्यूटेशन की दूसरी टाइप को देख रहे हैं। ये आपकी स्लाइड में बातें नहीं बताई हुई, लेकिन आपके क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रिपीट किए हुए हों, जैसे यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे हमारा फॉर्मूला क्या यही होगा? हाँ जी जल्दी बताएं। n पावर r होगा, n पावर r नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो इसको, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, हमारे पास क्या हो सकता है, अब बस जस्ट टी को रिप्लेस कर दो ए के साथ, सो यू विल गेट एम डबल ए, ठीक है, यू विल गेट एम ए ए, यू विल गेट ए और M A। मैंने जस्ट T को रिप्लेस कर रही हूँ, मैं इसी सेम स्ट्रिंग को मैं A T को रिप्लेस कर रही हूँ A के साथ, ठीक है। अच्छा A A M, अच्छा जी A A M, और ये हो गया A M A। अब जाहिर सी बात है सेम स्ट्रिंग को तो मैं काट लूंगी यहाँ से, तो ये मैंने A A M ये रिपीट हो रहा है तो मैंने काट लिया यहाँ से, ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे काट लिया मैंने, और ये भी रिपीट हो रहा है तो मैंने यहाँ से काट लिया, सो आई विल गेट थ्री वेज, ऐसा ही है। अब क्योंकि अगर मैं यही परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करती, सो आई विल गेट अच्छा जी, तो जो मैं आपको बता रही थी, हाँ जी बोले, सॉरी वो टाइम खत्म हो गया था इस वजह से। अच्छा, तो हमें ये अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल। अब ये पी क्या है आपके पास, जितने भी आपके लेटर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार हो रहे हैं वो आपने लिखना है यहाँ पर।
अब ये भी लाजमी नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर रिपीट हो रहा हो. जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड ले लेती हूँ अपने पास मैथमेटिक्स का, ठीक है, इफ आई हैव दिस वर्ड, तो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जल्दी से मुझे चेक करके बताना. जी जल्दी से बताना कितने यहाँ पे लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास n क्या है. n हमारे 11 है, ठीक है, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 11 है, और हमारे पास तीन ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे m, a और t. ये तीन ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं. और m मेरे पास कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है. a मेरे पास कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है. t मेरे पास कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है. एंड अ फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड्स p फैक्टोरियल. लेकिन ये p जो था ना, वो अगर फॉर सपोज मेरे पास एक लेटर मेरे पास रिपीट होता और कितने टाइम होता, वो मैं यहाँ पे p की वैल्यू लिखती. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आई हैव टू यूज p1 का फैक्टोरियल, p2 का फैक्टोरियल और p3 का फैक्टोरियल. समझ आई बात मेरी? तो ये p1 का फैक्टोरियल मतलब ये कि फर्स्ट जो लेटर आपका रिपीट हो रहा है वो क्या है, m, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया. ठीक है, सेकंड मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, a है, जो कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया. ये थर्ड मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. और सिंपल आई हैव 11 का फैक्टोरियल. ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास सेम ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि हाउ कैन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस टाइप ऑफ अ वर्ड, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. समझ आई बात सबको? हाँ जी, अब क्लियर है, ये कोई मसला yes, नहीं है. चले एक और थोड़ा सा एक और परम्यूटेशन की टाइप समझते हैं. देखें, हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग दी हुई हो जैसे ए बी सी डी ई एफ. ये मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई मैं अपने पास क्वेश्चन में ये कह दूं कि अगर मैं ये सिंपल कहती हूँ कि भाई आप इसको ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आप मुझे ये बताओ कि इसको कितने टोटल कितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हो, सो यू विल गोइंग टू यूज अ सिंपल फार्मूला विच विल बी 6p6. ठीक है, ऐसा ही है. लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारे नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है हमने, जहाँ पर जैसे मैं कहती हूँ कि भाई देखो तुमने ए बी सी जहाँ भी देनी है वो इकट्ठे देना है, मतलब जहाँ भी तुमने ए यूज़ करना होगा तो तुमने उसके साथ बी भी यूज़ करना है, उसके साथ सी भी यूज़ करना है. तो मतलब ये कि नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन अ ऑब्जेक्ट्स एक यूनिट बना रहे हैं हमारे पास. ठीक है, ये तीनों हमारे पास एक ही यूनिट बना रहे हैं. ठीक है, इसके बाद तो हमने इसको एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है. अगर मैं आपको ऐसी सिचुएशन दे दूं जिसमें मैं बोल दूं कि भाई ये स्ट्रिंग तो है तुम लोग के पास और तुमने ये देखना है कि इसको कितने तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हो, तो तुम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे 6p6. लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि देखो तुमने जहाँ कहीं भी ए यूज करा तो तुमने उसके साथ बी और सी को यूज करना है. ठीक है, मतलब ये कि ये एक यूनिट बन गया तुम्हारे पास, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ वन ऑब्जेक्ट. तो मुझे ये बताओ कि इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? देखो अब तुमने क्या करना है, तुमने इस पूरे को एक ही कंसीडर करना है. सो दिस इज माय 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. समझ आई? तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. बात क्लियर हुई मेरी? ये बात क्लियर हुई? 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है आपने. यस मैम. क्लियर है? अब क्योंकि स्ट्रिंग 4 की बात कर रहे हैं, फिर फर्दर वो मैं बोल दूंगी इसके इतने अरेंजमेंट्स होने चाहिए, तो फिर आप वही r की वैल्यू रिप्लेस कर लोगे यहाँ पर. ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मैं यही सेम बात को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ. मैं कहती हूँ कि भाई तुम लोग के पास जो है वो ये वर्ड दिया हुआ है डॉटर, और मैं स्टेटमेंट को भी अभी चेंज कर रही हूँ. देखो मेरी बात अच्छे से सुना, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि देखो तुम लोगों ने वोवल सारे इकट्ठे यूज करने. अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से वोवल्स कितने हैं जल्दी से बताओ? 3 है. कौन कौन से? ए यू ई और रिमेनिंग जो भी हमारे उसको अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? डी जी एच टी आर. ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि देखो तुमने वन यूनिट किसका बनाया, वन यूनिट तुमने बनाया वो सारे वोवल्स का. ठीक है, वो वोवल्स सारे तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं? ए यू ई. ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम कंसीडर करो तो तुम्हारे पास रिमेनिंग क्या रहते हैं? 1 2 3 4. तो ये तुम्हारे टोटल कितने हमारे अभी ऑब्जेक्ट्स आ गए? 6 ऑब्जेक्ट्स आ गए. तो तुमने क्या फाइंड आउट करना है? 6 का फैक्टोरियल. लेकिन एक चीज अगर तुम यहाँ पे फोकस करो वो ये है कि यहाँ पे मैंने क्लियरली बात बताई थी कि देखो ए बी सी इकट्ठे आने चाहिए, लेकिन कहीं पे मैंने ये बताया कि ए के साथ यू आना चाहिए, यू के बाद ई आना चाहिए. मैंने तो सिंपल ये बात बताई कि वॉवल्स तुमने इकट्ठे रखने. ये बात क्लियर हुई मेरी? वॉवल्स इकट्ठे रखने मतलब ये कि इसके भी फर्दर अपने अरेंजमेंट हो सकती है,
मतलब ये हो सकता है कि इसके फिर फर्दर हमारे पास तीन फैक्टोरियल्स बन सकता है. क्लियर हुई बात? यस मैम. तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इनटू कर देना है थ्री फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि इसके भी अपने फर्दर वेज आएंगे. क्लियर हो रही है सारी चीजें? यस मैम. ओके अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर और फिर हमें आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और दोनों का डिफरेंस बताऊंगी. अच्छा जी चलें जी, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले दोनों के डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग अपना डिटेल में जाएंगे. ठीक है. अच्छा अब देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है. आप जहाँ कहीं देखोगे तो एक वर्ड यूज किया होता है परम्यूटेशन के लिए कि यू हैव टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम यहाँ पे अरेंज करने की बात करते हैं. ठीक है, हम वी जस्ट वांट लाइक हम एक वर्ड यूज करते हैं कि वी हैव टू अरेंज दी थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और व्हाटएवर. ठीक है, वो अरेंज का वर्ड यूज करते हैं. और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं. यू नो व्हाई, व्हाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो वी यूज द वर्ड अरेंज, क्योंकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होती है. एग्जैक्टली. और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम सिलेक्शन की बात करते हैं. क्यों? अब मैं बताती हूँ आप लोगों को. देखिए जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं ना तो हमारे पास जितने भी अरेंजमेंट्स आती है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की, अब मैं इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, तो फिर चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी. लेकिन जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रिंग की. ठीक है, हम ऑर्डर्ड वे की बात करते हैं कि भाई जो भी चीजें होंगी ना हमारी वो ऑर्डर्ड वे में होगी. मतलब ये कि अब मैं इसका बताती हूँ. और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम अनऑर्डर्ड स्ट्रिंग की बात करते हैं. अब अनऑर्डर्ड स्ट्रिंग की बात क्या और हम क्यों इसके लिए सिलेक्शन का वर्ड यूज करते हैं तो आप अभी खुद ही समझ जाओगे. ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ. आपके पास यू हैव गिवन दीज थ्री लेटर्स. ठीक है, आपके पास तीन लेटर्स दिए हुए हैं और मैं आपको कहती हूँ कि यू हैव टू लाइक टेक टू लेटर्स एट अ टाइम एंड वॉट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ दीज टू वर्ड टू लेटर्स. तो क्या क्या होगी, कितने वेज होंगे आपके पास? सिंपल, आपके पास फॉर्मूला यूज करो एन पी आर का, विच इज 3P2. तो कितने पॉसिबल हमारे पास वेज बन सकते हैं इसके, जल्दी से बताओ. 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial, which will be that will be equals to 6, right? ऐसा ही है. अब क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकती है, क्या क्या अरेंजमेंट आ सकती है? ए बी, बी सी, सी ए, बी ए, और क्या होगा, ए सी और सी बी. देखो मैंने कहा जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो हम ऑर्डर की बात करते हैं. तुम इस ए बी का मतलब अर्गिस बी ए नहीं है, समझ आई? समझ आई ये बात? मिस अपना टू क्यों लिया हुआ यहाँ पे? किस चीज पे टू? मैंने कहा कि इन तीनों के जो आपने स्ट्रिंग बनानी है वो दो डिजिट की बनानी है, इस वजह से मैंने जो स्ट्रिंग बनाई है ना उसकी जो मैंने लेंथ रखी हुई यहाँ पे वो टू है, इस वजह से. ठीक है, तो मिस ये जो, हाँ हाँ बोले, जो मिस फॉर्मूला है ना ये मतलब NPR, मतलब इसमें R क्या होगा, ये R क्या होगा हमेशा, मतलब R बताती हूँ. जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनकी जितनी भी तुमने लेंथ, जैसे मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम्हारे पास थ्री लेटर्स गिवन है और तुमने दो लेटर्स की स्ट्रिंग बनानी है, तो ये दो लेटर्स की जो स्ट्रिंग बनानी है ना, जितने लेंथ की स्ट्रिंग बनानी होगी वो तुम्हारा आर होगा यहाँ पर, जितने तुमने सेलेक्ट करने अपने गिवन ऑब्जेक्ट्स में से. ठीक है, सही. ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, हम जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम अनऑर्डर्ड की बात करते हैं. मतलब ये कि देखो तुम्हें मैंने वही बात करनी है कि तुमने ए बी सी में से दो डिजिट का लेटर बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड की बात करते हैं. मतलब ये कि अगर तुमने ए बी लिखा हुआ है तो देयर इज नो नीड टू राइट अ बी ए. सो हाउ कैन यू अरेंज दिस लाइक लेंथ ऑफ अ लेटर्स? तो कैसे करोगे, तुम्हारे फाइनल रिजल्ट क्या होने, ए बी, ठीक है, ए सी और बी सी. अब यहाँ पे क्या मेरा लिखना लाजमी था बी ए? हाँ जी, लिखना लाजमी था? नो मैम. नहीं, और क्या मैं अगर ए सी लिखती हूँ तो मेरा सी ए लिखना लाजमी था यहाँ पर? हाँ जी, मैं बताऊँ. नहीं, और क्या मैंने यहाँ पे बी सी लिखा है तो मेरा सी बी लिखना यहाँ पे लाजमी था? नो मैम. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले, फिर इसकी सिलेक्शन की भी बात करती हूँ मैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एन सी आर, विच इज वॉट कि आपने क्या करना है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो हमारे पास एन क्या था यहाँ पे, थ्री, टू क्या है हमारे पास, टू, और हमने यहाँ पे एन माइनस आर कर लिया, दैट मीन्स वी हैव वन फैक्टोरियल, राइट? थ्री का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, सिक्स, थ्री इंटू सिक्स, टू. तो हमने क्या फाइंड आउट करा, वी हैव थ्री वेज. बात क्लियर हुई मेरी? हाँ जी,
जी क्लास क्लियर हुई बात मेरी? अब देखो यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी हमने ये नहीं देखना कि हाउ कैन वी, मतलब आई नो कि हमने यहाँ पे अरेंज करना है, लेकिन हम अनऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास स्ट्रिंग जो है वो, आपके पास जो नंबर्स ऑफ एन जो नंबर्स दिए हुए हैं वो तीन है, और आपने यहाँ पे जो डिजिट बनाना है या जो भी स्ट्रिंग बनानी है वो थ्री लेंथ की बनानी है, तो इसके क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं? हाँ जल्दी से बताएं जी, जल्दी बताएं, अगर हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज बनेंगे, जल्दी से बताना जी क्लास। अगर हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, वी हैव थ्री लेटर्स और हमने थ्री लेटर का एक स्ट्रिंग बनानी है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज चूंकि इसके बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन? जी सिक्स। देखो थ्री थ्री पी थ्री फाइंड आउट करना है तुम लोगों ने, ऐसा है, हमने थ्री लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है और हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या गिवन है, थ्री है, तो क्या होगा इसका, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय एन माइनस आर, एन माइनस आर क्या होना है, थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ जी, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है, तो मतलब ये कि हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, हाँ जी कितने बनेंगे, सिक्स बनेंगे ना। लेकिन अगर तुम लोग कॉम्बिनेशन पे आओ तो इसके क्या, किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास तीन लेटर्स दिए हुए हैं इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो बताओ कितना होगा, वन होगा, क्योंकि ए बी सी इज इक्वलेंट टू बी सी ए इज इक्वलेंट टू सी बी ए इज इक्वलेंट टू बी सी, वॉट एवर, समझ आई बात? अब तो समझ आ गया होगा दोनों का डिफरेंस, और फॉर्मूला में डालोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि हाँ दिस इज द थिंग, कि एन फैक्टोरियल इंटू लाइक आर फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब बातें क्लियर हो रही है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो? अब जो कोई पूछेगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या डिफरेंस है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताना, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब एक काम कर लें, आप लोग अटेंडेंस मार्क करें और फिर आप लोग जा सकते हो, ठीक है? और अच्छा एक सिर्फ एक चीज देख लें, अब ये है कि आप लोगों ने अपने पास से ये चीजें खुद देखनी है, ये सारे जितने भी चीजें बताई हुई ये मैंने यहीं से ही बताया हुआ है, ठीक है, बल्कि एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को, तो ये मैं अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करने वाली, ये चीज़ें आप लोगों ने खुद ही से देखनी है, ठीक है? ये सारे जो थ्योरम्स दिए हुए हैं, ये पार्ट्स जो दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे हमारे पास अगर फाइव ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और 52 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो हमने एनसीआर फॉर्मूला यूज करते हुए किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये सारे डिफरेंस वैल्यूज आ सकती हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग अगेन इन योर नेक्स्ट क्लास, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज बाइनोमियल थ्योरम, तो काइंडली आप लोग देख लीजिएगा इन चीज़ों को, सही है? चलिए अल्लाह हाफिज़। अब सेक्शन सी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बैठे रहे हैं, और सेक्शन ई के स्टूडेंट्स काइंडली जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें और आप लोग चले जाओ, सेक्शन ई के स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाएं और सेक्शन सी के स्टूडेंट्स यहीं बैठे रहे हैं। सेक्शन सी आप लोग के लिए मैं दोबारा से सेक्शन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? मैं सेक्शन ई की क्लास को एंड करने के बाद मैं आप लोग का सेशन स्टार्ट करूँगी, ठीक है? ओके। चलिए